हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको करवाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर एक है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज ए ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, क्यों? तो इसका आंसर है आपके लिए, बिकॉज द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। बिकॉज द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट आर अंडर अट्रैक्शन। अंडर अट्रैक्शन, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है एंड अंडर अट्रैक्शन हीट इज लॉस्ट। अंडर अट्रैक्शन, जहाँ पर अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है, हीट इज ऑलवेज लॉस्ट, इज ए ऑलवेज लॉस्ट, हमेशा हीट का लॉस होता है, विच इज टेकन विद नेगेटिव साइन, इज ए टेकन विद नेगेटिव साइन, जिसको हम नेगेटिव साइन से लेंगे। तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा और नेगेटिव साइन से हम इसको लेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जरा। टू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म लेट वी टेक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो एज अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज ये आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन है। फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल जी को क्या होना चाहिए, नेगेटिव ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। बट ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस बोथ
डेल एच एंड डेल एस दोनों के दोनों रिमेन्स नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं, बट जो डेल एच है इज मच ग्रेटर देन डेल एस, सो डेल जी रिमेन्स नेगेटिव फॉर द एडजोर्शन प्रोसेस, डेल जी रिमेन्स नेगेटिव फॉर द एडजोर्शन प्रोसेस। एडजोर्शन प्रोसेस के लिए डेल जी जो है वो नेगेटिव रहेगी, क्या रहेगी, नेगेटिव ऑलवेज। दिस एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजोर्शन प्रोसेस, दिस एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजोर्शन प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडजोर्शन प्रोसेस। ये एडजोर्शन प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का राज है, रीजन है, कारण है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द जिलेटिन इज एट इट इज एडिट टू द कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड, कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड। अगर गोल्ड के कोलाइडल सोल के अंदर हम जिलेटिन डालते हैं तो क्या होगा, सिंस जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन आपका, सिंस जिलेटिन एन इलेक्ट्रोफिलिक कोलाइड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कोलाइड्स विच स्टेबलाइज, जो क्या करेंगे, स्टेबल बनाएंगे, विच से स्टेबलाइज द गोल्ड सोल, जो इस गोल्ड सोल को क्या कर देंगे, स्टेबल बना देंगे। तो जिलेटिन ऐड करेंगे तो गोल्ड सोल ज़्यादा स्टेबल बन जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सी एम सी एंड ए टेम्परेचर क्राफ्ट, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी एम सी क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन एंड टीके का मतलब होता है टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर क्राफ्ट। ये दोनों कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिनसे ऊपर मिसल बनती है, अबाउ दीज, अबाउ दीज टू कंडीशंस, टू कंडीशंस, इन दोनों कंडीशन से ऊपर मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस, मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस, इन दोनों कंडीशन से ऊपर मिसल बनता है, क्या बनता है, मिसल बनता है। तो ये सी एम सी है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन और टी के है टेम्परेचर क्राफ्ट, इन दोनों कंडीशन से ऊपर अगर कंडीशन फॉलो होती है तो मिसल बन जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है सिलेक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल्स फ्रॉम, सेलेक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल फ्रॉम, इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव सोल सेलेक्ट करने हैं। तो एक तो है आपका FeOH thrice, एक आपका As2S3, फिर आपका गोल्ड सोल, और एक आपका स्टेनिक ऑक्साइड, स्टेनिक
ऑक्साइड सो, स्टेनिक ऑक्साइड सो यानी कि SNO2। इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने चुनना है, तो आंसर नेगेटिव सोल जो हैं इसमें, नेगेटिव सोल्स वो एक तो है नेगेटिव में As2S3, As2S3 सोल, और एक है AU सोल, गोल्ड सोल, और पॉजिटिव सोल की कैटेगरी में जो हैं आपके ये, एक तो है FeOS3 एंड दूसरा है स्टेनिक ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड, ये पॉजिटिव सोल आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है आपका होमोजीनियस कैटालिसिस। इसके अंदर क्या होगा होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर, इसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट लाई इन द सेम फेज। फॉर एग्जांपल आपके पास SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिला SO3, गैस है और कैटलिस्ट भी क्या है, गैस है। तो इस टाइप की जो कैटालिसिस होती है वो होमोजेनियस कैटालिसिस होती है। इसकी थ्योरी या वर्किंग की बात करें तो दिस कैटालिसिस इज कंप्लीटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कैटालिसिस कंप्लीट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं और ये कंप्लीट हो जाती है। दैट इज कैसे होती है, देखो ये आपका O2 प्लस NO से बनेगा NO2 बनेगा, इसमें ये दो ले लीजिए NO2, ठीक है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है RI, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब क्या होगा अगले स्टेप में, आपके पास SO2 प्लस NO2 क्या बन जाएगा, SO3 प्लस NO। NO क्या करेगा, रिपीट करेगा प्रोसेस को, यहाँ आ जाएगा इसमें और प्रोसेस को रिपीट करेगा, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ कंज्यूम हो रहा है और कैटलिस्ट जनरेट हो रहा है। तो ये थी थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है इसमें वो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर नॉट लाइंग इन द सेम फेज, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, इसकी प्रेजेंस में हीट करूँगा तो मुझे मिलता है CH3 और मुझे मिलता है CH3। ये भी गैस है बट ये सॉलिड है और ये गैस है, तो कैटलिस्ट है आपका वो डिफरेंट फेज में लाई करता है, यहाँ सॉलिड है। इसकी अगर थ्योरी या वर्किंग देखोगे, थ्योरी या वर्किंग ऑफ दिस कैटलिसिस, तो बेस्ड ऑन एडजोर्सन फिनोमिना, किसके बेस पे, एडजोर्सन फिनोमिना,
एडजोर्सन फिनोमिनान के बेस पे काम करता है। पहले क्या होता है, ड्यू टू एफिनिटी एफिनिटी की वजह से जो आपका सबस्टेट है, सबस्टेट या रिएक्टेंट जो है वो एडजॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजॉर्ब। ऑन द कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। फिर एक्टिवेट होगा, ये क्या होगा, एक्टिवेट टू गिव ए प्रोडक्ट। पहले एडजॉर्ब यानी कि लोडिंग ऑफ कैटलिस्ट, फिर एक्टिवेट टू गिव प्रोडक्ट, और फिर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एफिनिटी, ड्यू टू लैक ऑफ एफिनिटी एफिनिटी न होने की वजह से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो लीव कर देता है, लीव द कैटलिस्ट कैटलिस्ट को छोड़ देता है। सो कैटलिस्ट जो आपका कैटलिस्ट डीलोड हो जाता है। क्या हो जाता है, डीलोड एंड बिकम रेडी टू रिपीट द प्रोसेस इन स्टेप वन। तो इसमें कैटालिसिस में क्या होता है, पहले लोडिंग होती है कैटलिस्ट की, फिर भाई प्रोडक्ट बनता है एक्टिवेट होके, फिर डीलोडिंग होती है, और डीलोड के बाद दोबारा रिपीट करने के लिए कैटलिस्ट तैयार रहता है। कोलोइडोन क्या होता है, कोलोइडोन, व्हाट आर कोलोइडोन्स, कोलोइडोन्स क्या होते हैं? तो ये कोलोइडोन जो होते हैं, कोलोइडोन्स 4% सॉल्यूशन ऑफ 4% सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन द मिक्सर किसके अंदर है, मिक्सर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल ईथर सॉल्वेंट होते हैं, ये मिक्सर सॉल्वेंट होता है, और नाइट्रोसेलुलोज 4% इसको कोलोइडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोइडोन्स। फिर ये कह रहा है इसी में कोट्रेल प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं, ये स्मोक प्रेसिपिटेशन के काम आते हैं, ठीक है। तो ए डिवाइस होता है, डिवाइस यूज्ड फॉर द स्मोक प्रेसिपिटेशन जो स्मोक प्रेसिपिटेशन के काम आता है, ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है इन द चिमनीज किसके अंदर, चिमनीज ऑफ द फैक्ट्री, ऑफ द फैक्टरीज, फैक्टरीज की चिमनीज के अंदर स्मोक प्रेसिपिटेशन के काम आता है ये कोट्रल प्रेसिपिटेटर। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज मिशल एंड गिव द फॉर्मेशन ऑफ मिशल, व्हाट इज मिशल, मिशल क्या होती है, एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ इट्स फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ इट्स फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन का मैकेनिज्म भी आपको देना है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर, मिशल क्या होती है, मिशल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशल एन एसोसिएटेड कोलोइड होता है ये, एन एसोसिएटेड कोलोइड
एसोसिएटेड कोलोइड, ये एक एसोसिएटेड कोलोइड होता है, एसोसिएटेड कोलोइड डेवलप्ड इन द सोप सॉल्यूशन, इन द सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में डेवलप होता है ये सोप सॉल्यूशन में, अबाउ सी एम सी एंड ए टेम्परेचर क्राफ्ट। सी एम सी कितनी होती है सोप के लिए, फॉर सोप, सोप सॉल्यूशन के लिए क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन इज 1/100, 1/1000 टू 1/100 मोलर होता है, इतनी होती है कंसंट्रेशन सी एम सी। अब इसका मैकेनिज्म कैसे ये बनती है, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या करोगे, आपके सोप होते हैं आर सी डब्लो एन ए, ठीक है, इसको एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस फॉर्म दे दीजिए, आपको मिलेगा आर सी डब्लो नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव, ये बनेगा, ठीक है। ये जो सोप यूनिट है, ये वाली सोप यूनिट, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक टेल और एक होता हाइड्रोफिलिक हेड। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है, इसको सोप यूनिट अपने वाटर के अंदर रखेंगे और वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, और बहुत सारी सोप यूनिट इकट्ठी होके क्या बना देंगे, एक बिग यूनिट बनाएंगे जिसको हम मिक्सर कहेंगे। दस इन नंबर ऑफ सोप यूनिट्स, सोप यूनिट्स गैदर, बहुत सारी सोप यूनिट गैदर कर जाती हैं इनटू ए सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वाटर की सिंगल ड्रॉपलेट में बहुत सारी सोप यूनिट गैदर कर जाती हैं बाय कीपिंग देयर हेड इनसाइड, बाय कीपिंग देयर हेड, बाय कीपिंग देयर हेड इनसाइड, हेड इनसाइड, पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक हेड इनसाइड। एज ए रिजल्ट ए बिग यूनिट इज जनरेटेड, एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ए बिग यूनिट, बिग यूनिट इज डेवलप्ड, एक बड़ी यूनिट डेवलप होती है कॉल्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, मिसल कहेंगे, क्या कहेंगे, मिसल, ठीक है। तो ये मिसल फॉर्मेशन का आपका मैकेनिज्म है ये, ठीक है। क्या है डिफरेंस बिटवीन कीमोजॉर्प्शन एंड फिजियोजॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन कीमोजॉर्प्शन एंड फिजियोजॉर्प्शन, एंड फिजियोजॉर्प्शन, कीमोजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको देखना है, डिफरेंस कीमोजॉर्प्शन एंड फिजियोजॉर्प्शन। तो देखो जरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है, कीमोजॉर्प्शन, कीमोजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एडजोर्बेट एंड एडजोर्बेंट आर अट्रैक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, और ये क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय वन डर वाल फोर्स, स्टेबलाइज्ड by the van der Waal force of attraction, van der Waals force of attraction, ये van der Waal force of attraction से stable होती है। दूसरा point क्या है, ये chemoabsorption irreversible होता है,
लेकिन फिजिकल एडजोर्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल। अगला, किमोजोर्शन में हीट ऑफ एडजोर्शन हाई होती है। हीट ऑफ एडजोर्शन हाई, यहाँ पर हीट ऑफ एडजोर्शन लो होती है। हीट ऑफ एडजोर्शन लो, यहाँ पे ये हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक, ये नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक इसी वजह से ये हमेशा यूनिलेयर होता है। यूनिलेयर ऑलवेज, किमोजोर्प्शन ऑलवेज यूनिलेयर। ये मल्टी लेयर हो सकता है, मल्टी लेयर, एक से ज़्यादा टाइप के लेयर, एक से ज़्यादा लेयर यहाँ बन जाएंगे। और इसमें अगर आप आएंगे तो ये किमोजोर्प्शन पहले क्या करता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रेट ऑफ एडजोर्प्शन एक्स बाई एम, और यहाँ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है? तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये आइसोबार कहलाता है ग्राफ तो। लेकिन फिजिकल एडजोर्शन में क्या होता है, ये आपका रेट ऑफ एडजोर्शन एक्स बाई एम, और ये प्रेशर है एक्स वाई एक्सिस, ये ग्रेजुअल डिक्रीज दर्शाता है, ग्रेजुअल डिक्रीज। ये है किमोजोर्प्शन और ये फिजिकल एडजोर्शन। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, तो दीज बोथ आइसोबार्स हैं, दोनों क्या हैं, आइसोबार्स। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। सोल्स या कोलोइड्स, या कोलोइड्स, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड्स में क्या डिफरेंस है? तो देखो, लायोफिलिक कोलोइड्स, लायोफिलिक कोलोइड्स और एक है लायोफोबिक कोलोइड्स। लायोफोबिक कोलोइड्स, तो दो टाइप के कोलोइड्स हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलोइड्स क्या होते हैं, ये हैव एफिनिटी, हैव एफिनिटी, इनकी एफिनिटी होती है विद दे रिस्पेक्टेड टू डिस्पर्सन मीडियम, और यहाँ पे क्या होती है, नो एफिनिटी, इन कोलोइड की कोई एफिनिटी नहीं होती विद दे रिस्पेक्टेड टू डिस्पर्सन मीडियम। फिर बात करते हैं, दे गिव्स कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन अपॉन सिंपल डिजॉल्विंग प्रोसेस, अपॉन सिंपल डिजॉल्विंग प्रोसेस। डिजॉल्विंग प्रोसेस, सिंपल डिजॉल्विंग प्रोसेस से कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक बाय स्पेशल मेथड, गिव सॉल्यूशन बाय स्पेशल मेथड, ये सॉल्यूशन देंगे बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड, ये स्पेशल मेथड से कोलाइडल सॉल्यूशन वो सोल्व देंगे। लायोफिलिक जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वैसे रिवर्सिबल, बट ये ई रिवर्सिबल होते हैं, लायोफोबिक रिवर्सिबल। ये यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम का सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। यहाँ यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम नॉट चेंज, सरफेस टेंशन, सरफेस है,
टेंशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम का सरफेस टेंशन नॉट चेंज, नॉट ए चेंज। इसका एग्जांपल है इसका लायोफिलिक का, एक तो जिलेटिन, एक है स्टार्च, और इसका एग्जांपल है मेटल कोलोइड्स, मेटल कोलोइड्स एंड सल्फर कोलोइड्स इन वाटर, इन ए वाटर, वाटर के अंदर मेटल कोलोइड और सल्फर कोलोइड्स, ये इसके एग्जांपल हैं। एक है मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, मल्टी और मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स इन दीज कोलोइड्स, ये जो कोलोइड्स होते हैं कोलोइड्स आर डेवलप्ड व्हेन इन नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैदर करते हैं, क्या करते हैं, गैदर, गैदर या गेट टुगेदर करते हैं, यानी कि 10 अंगस्टम से 10 ये 1000 अंगस्टम के साइज को अचीव करने के लिए ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज गेट टुगेदर। एग्जांपल है इसका कोलोइड्स ऑफ मेटल, कोलोइड्स ऑफ मेटल, मेटल के कोलोइड्स एंड कोलोइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के कोलोइड्स, तो ये कोलोइड्स आपके मल्टीमोलिकुलर। फिर बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स कौन से होते हैं, ये जो कोलोइड्स हैं तो दीज मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स सेल्फ हैव ए साइज ऑफ, इन मॉलिक्यूल का खुद का साइज होता है 10 अंगस्टम टू 1000 अंगस्टम, इनका खुद का सिंगल मॉलिक्यूल का साइज इतना होता है 10 से 1000 अंगस्टम, तो ये मैक्रो कहलाते हैं। एग्जांपल हैं प्रोटीन्स एंड स्टार्च, एंड ए स्टार्च, प्रोटीन और स्टार्च इसके एग्जांपल हैं। फिर आपका क्वेश्चन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये हनी के जो होते हैं एक तरह से, तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट दे आर द पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट, ये पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं विद द जनरल फार्मूला, जिनका जनरल फार्मूला होता है फार्मूला MXALO2, Y और SiO2, Z ये होते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स।
इनका पोर साइज जो होता है, पोर साइज इनटू एक्स एच टू ओ भी होता है साथ में, एक्स एच टू ओ। यहाँ पर जो पोर साइज होता है, पोर साइज लाइज बिटवीन, आता है 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर, इतना पोर साइज होता है। इनको हम हनी केज भी कहते हैं, हनी केज, हनी केज। जो हनी केज होता है वैसा शेप होती है ये। इनका कॉमन एग्जांपल जो है वो जेड एस एम ए 5 होता है, जियोलाइट ऑफ सीव मोलर पोरोसिटी 5, जियोलाइट ऑफ सीव मोलर या मोलिकुलर पोरोसिटी, मोलिकुलर पोरोसिटी 5 ये होता है। तो ये था आपका शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग, इनको डिफाइन करना आपने फॉलोइंग्स को। इनमें नंबर एक है आपका ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन क्या होता है? जिग जैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, जिग जैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल का जिग जैग मोशन इनटू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। इनटू ए कोलाइडल सॉल्यूशन ये है। इसका कोज क्या है? कोज कारण, रैंडम कोलिजन होते हैं कारण, तो रैंडम कोलिजन्स बिटवीन कोलाइड्स एंड कोलाइड एंड डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल, कोलाइड्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, इनके बीच में रैंडम कोलिजन। इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस तो है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी इसी की वजह से होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी। इसके बाद अगली टर्म है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ये आप ले लीजिए, इसमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन, मान लेता हूँ ये एक ट्यूब है, यू शेप ट्यूब, इसमें मैंने क्या ले लिया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। इसमें मैं दो चार्ज्ड प्लेट पुट कर देता हूँ, चार्ज्ड प्लेट कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, ये दो चार्ज्ड प्लेट हैं, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट है। मैं इनको शोर से कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या पाया, जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो सब के सब कोलोइड जो हैं वो से नेगेटिव पे चले गए, ठीक है। ये कोलोइड का ये जो मोमेंट है, कोलोइड का ये मोमेंट टुवर्ड्स द रिस्पेक्टेड रोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इट इज द मोमेंट ऑफ द कोलोइड, ये कोलोइड का मोमेंट होता है, कोलोइड्स का टुवर्ड्स द रिस्पेक्टेड रोड, टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव रोड, रिस्पेक्टिव रोड, रिस्पेक्टिव रोड की साइड में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द
इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्फ्लुएंस में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस इस एक्सपेरिमेंट की, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द इलेक्ट्रिक नेचर या चार्ज नेचर ऑफ कोलॉइड। दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है, प्रूव द चार्ज नेचर, चार्ज्ड नेचर ऑफ कोलॉइड, चार्ज नेचर ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के चार्ज नेचर को प्रूव करेगा ये, कोलॉइड्स के चार्ज नेचर को। अगला ट्रम हाफ की टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम, इट इज द स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बीम, ये लाइट बीम की स्कैटरिंग है, लाइट बीम की स्कैटरिंग बाय द कोलॉइड, बाय द कोलॉइड्स, कोलॉइड्स के द्वारा, कोलॉइड्स में का वो प्रॉपर साइज होता है जिससे स्कैटरिंग हो जाए। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस एक तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की कोप का प्रिंसिपल है ये, एक टेल ऑफ कॉमेट, कॉमेट्स की टेल, एक है ब्लू कलर ऑफ सी एंड स्काई, ब्लू कलर ऑफ सी एंड स्काई, ये इसकी एप्लीकेशंस है। इसके बाद अगला है आपका प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड्स का प्रोटेक्टिव एक्शन, कोलॉइड्स का प्रोटेक्टिव एक्शन, तो ये प्रॉपर्टी होती है कोलॉइड की, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड की प्रॉपर्टी अगेंस्ट द कोगुलेशन, अगेंस्ट, अगेंस्ट द कोगुलेशन, कोगुलेशन या सेडिमेंटेशन, उसके अगेंस्ट जो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टू, इट इज ए एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेस्ड इन टू गोड नंबर, किस में लिखेंगे, गोड नंबर में लिखेंगे इसको, इस प्रॉपर्टी को गोड नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। देखते हैं गोल्ड नंबर क्या होता है, तो गोल्ड नंबर देखेंगे ज़रा, गोल्ड नंबर, क्या होता है गोल्ड नंबर, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलॉइड्स, ये कोलॉइड की मिनिमम अमाउंट, which must be added to, which must be added to 10 milliliter standard gold soil, 10 milliliter standard gold soil, standard gold soil before adding 1 milliliter 10% NaCl solution to prevent its coagulation, to prevent its coagulation, ठीक है, तो ये आपका गोल्ड नंबर होता है। अगला है डायलिसिस ड्रम, डायलिसिस ड्रम, डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस,
ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द कोलोइड एंड क्रिस्टलॉइड्स, कोलोइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स, या बाय विच कोलोइड एंड क्रिस्टलॉइड्स आर सेपरेटेड आउट। कोलोइड और क्रिस्टलॉइड को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं, सेपरेटेड आउट बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM का यूज करके। किसका यूज करके, SPM। तो डायलिसिस, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। क्या नाम देते हैं इसको, आर्टिफिशियल किडनी। तो मेडिकल यूज होता है इसका, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड व्हेन किडनीज डैमेज हो जाती है पेशेंट की। कि पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन क्या होता है, ये कन्वर्टिंग द PPT, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रेसिपिटेट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रेसिपिटेट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द PPT इन टू द कोलोइड्स, कोलोइड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। इट कैन बी डन बाई, इसको आप कर सकते हैं, इट कैन बी डन बाई एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट, एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन टू द प्रेसिपिटेट के अंदर। कोएगुलेशन क्या होता है, ये भी प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट करने की प्रोसेस है, कोएगुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो कोएगुलेशन वैल्यू और कोएगुलेशन पावर, यहाँ एक टर्म आती है कोएगुलेशन पावर। हार्डी सेक्यूज रूल हैं, हार्डी एंड सेक्यूज रूल अबाउट कोएगुलेशन। कोएगुलेशन के बारे में हार्डी सेक्यूज रूल, तो हार्डी सेक्यूज की एक बात तो ये है, ओनली अपोजिटली चार्ज्ड आयन, केवल अपोजिटली चार्ज्ड आयन कैन कॉज द कोएगुलेशन। कोएगुलेशन कौन कर सकता है, केवल अपोजिटली चार्ज्ड आयन जो हैं वो कोएगुलेशन कर सकते हैं, अफेक्टिव आयन। दूसरा है कोएगुलेशन पावर जो है ना, अफेक्टिव आयन की कोएगुलेशन पावर ऑफ अफेक्टिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अफेक्टिव आयन,
charge on effective ion. Effective ion के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा coagulation power उतनी ज़्यादा. You can see that aluminium 3 positive का चार्ज ज़्यादा तो coagulation power ज़्यादा. Mg2 plus की उससे कम और Al की वो सोडियम की सबसे कम आ जाएगी. सोडियम की सबसे कम पावर एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम कम, सोडियम और कम. ये चार्ज कम होता गया तो पावर कम होती चली जाती है. सिमिलरली एनायन के केस में PO43 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा है, फिर SO42 नेगेटिव की कम हो जाएगी, फिर Cl नेगेटिव की सबसे कम हो जाएगी. तो चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी तो कोगुलेशन पावर कम होती जाएगी. एक है डेल्टा फॉर्मेशन. अगली टर्म डेल्टा फॉर्मेशन. डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है? द कोलाइडल पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द रिवर वाटर, इन द रिवर वाटर, जो रिवर वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सेडिमेंट कर जाते हैं. सेडिमेंट व्हेन द रिवर फॉल इन द सी, इन द सी. सो ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ड्यू टू सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स के सेडिमेंटेशन की वजह से जो जंक्शन है, जंक्शन ऑफ ए सी एंड रिवर, सी एंड ए रिवर, सी और रिवर का जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा, डेवलप into the land part, land piece, land a piece, land piece, piece के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा कार डेल्टा. उसको हम क्या कह देंगे, डेल्टा कह देंगे हम. तो ऐसे डेल्टा बन जाते हैं. पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, ठीक है. ये क्या है? इट इज फाउंड दैट एनी कोलाइड कोई भी कोलाइड इनटू ए कोलाइडल सॉल्यूशन कोई भी कोलाइड किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इज डिपॉजिटेड बाय टू लेयर्स ऑफ चार्ज. चार्ज की दो लेयर से डिपॉजिट हो जाता है. दैट इज एक तो डिफ्यूज लेयर होती है, डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ चार्ज, और एक होती है काउंटर लेयर या मोबाइल लेयर ऑफ चार्ज. चार्ज की दो लेयर बनती हैं, डिफ्यूज लेयर एंड मोबाइल लेयर. सो देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू लेयर, बिटवीन दीज टू लेयर्स, इन दो लेयर के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, कॉल्ड जेटा पोटेंशियल. इसको हम जेटा पोटेंशियल कहेंगे. नेक्स्ट हम आपकी इमल्सन.
इमल्सन्स क्या होते हैं? ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टाइप, ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टाइप, लिक्विड इन लिक्विड टाइप, लिक्विड लिक्विड टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड टाइप। दे आर ऑफ टू टाइप, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके ओ डब्लू, ऑयल इन वाटर, और एक होते हैं आपके डब्लू ओ, वाटर इन ऑयल। ओ डब्लू ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर मिल्क आपका मिल्क, वेनिस क्रीम आपकी वेनिस क्रीम, वेनिस क्रीम, और वाटर इन ऑयल कोल्ड क्रीम है आपकी आइस कोल्ड क्रीम, आइस को आइसक्रीम, आइस क्रीम, बटर है आपका बटर, ये हैं। इसमें डिस्पर्शन मीडियम वाटर होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? वाटर। और इसमें डिस्पर्शन मीडियम ऑयल होता है, क्या होता है? ऑयल होता है। इमल्सन जो स्टेबलाइज होते हैं, इमल्सन, इमल्सन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है? तो द इमल्सन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय, इमल्सन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय, ये इमल्सन जो स्टेबल होते हैं, स्टेबलाइज करते हैं हम, स्टेबलाइज्ड बाय स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। टर्म है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मतलब प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, ये है प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, प्रिपरेशन ऑफ ए इमल्सन, इमल्सन बनाने की प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन। और एक टर्म है डी इमल्सिफिकेशन, डी इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस में इमल्सन के कंटेंट अलग हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द इमल्सन, कंपोनेंट्स ऑफ द इमल्सन, इमल्सन के कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। इट कैन बी डन बाय, इसको आप कर सकते हैं, इट कैन बी डन बाय डिस्ट्रॉइंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, डिस्ट्रॉइंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करके आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लीनिंग एक्शन, तो व्हेन द सोप्स आर डिसॉल्व्ड, सोप्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम सोप्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन क्या कर जाता है? ब्रेक्स, टूट जाता है। नाउ इफ ए द डर्टी क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ्स आर सेक्ड विद दिस वाटर, विद ए दिस वाटर, इस वाटर के साथ जब हम डर्टी क्लॉथ को सेक करते हैं, देन सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन विद दिस वाटर की बजाय ये सॉल्यूशन था, ठीक है, देन दिस सोप सॉल्यूशन
enter into the cloth, enter into the clothes, किसके अंदर एंटर करेगा, क्लोथ्स के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, सराउंड करेगा, ये सराउंड द डर्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल को सराउंड करेगा, डर्ट पार्टिकल को, एंड इमल्सीफाई आउट इट, इमल्सीफाई आउट इट, इसको इमल्सीफाई आउट कर लेगा इनटू द स्टेबल इमल्सन, इनटू द स्टेबल इमल्सन, स्टेबल इमल्सन, इसको स्टेबल इमल्सन की फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कंप्लीट होता है विद कांस्टेंट स्टीरिंग, कांस्टेंट स्टीरिंग, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपके लिए नया वीडियो डालता रहूँगा। थैंक्स।